Hello students. In our today's OB class, we are going to learn something here. We are going to understand about managing conflict. In our previous class, we studied about conflict, what is conflict, types of conflict, and the reasons how they arise, right? And in our today's class, we will study about the managing conflict. Managing conflict means sorting down the things, right? Sorting down the things in such a way so that the organization objective, organizational objective could be achieved. effectively and efficiently. so the management within an organization should function in such a way so as to maximize the coordination of human resource and work system and to minimize conflict. iska matlab hai कि एक management organization का जो management है उसको इस तरीके से काम करना होता है जिससे कि human resources यानी कि जितने भी लोग उस organization में काम कर रहे हैं उनके काम का coordination हो work system के साथ यानी कि जो system बनाया है उस अकॉर्डिंग वो लोग अच्छे से काम करें एंड टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट और मिनि कन्फ्लिक्ट को क्या करें कम से कम करें राइट right? तो हर मैनेजमेंट की यही अप्रोच रहती है कि उनका काम इजीली हो जाए और कन्फ्लिक्ट यानी कि वहाँ पर डिस्प्यूट्स या डिसएग्रीमेंट्स कम से कम हो राइट सो देयर आर बेसिकली टू मेजर्स टू मैनेज दिस कन्फ्लिक्ट यू कैन से देयर आर टू अप्रोचेस टू मैनेज दिस कन्फ्लिक्ट वन इज़ प्रिवेंटिव मेजर सेकेंड इज़ क्यूरेटिव मेजर राइट वन इज़ प्रिवेंटिव मेजर अदर इज़ क्यूरेटिव मेजर सो प्रिवेंटिव मेजर रिलेट्स टू द क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट राइट लिसन केयरफुली प्रिवेंटिव मेजर्स रिलेट टू क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट फॉर मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग द अकरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव का मतलब अपने आप में ही होता है बचाव रखना ठीक है तो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंडर क्या किया जाता है एक इस तरीके का एन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि कन्फ़्लिक्ट होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं यानी कि बचाए बचाव किया जाता है यानी ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशंस, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए जाते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही एराइज ना हो। और राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू मैनेज कन्फ्लिक्ट राइट तो द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले क्या हम क्या तरीका हम अपनाते हैं अपने कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग कॉमन गोल देखिए हमने कॉजिज ऑफ कन्फ्लिक्ट हमने ये पढ़ा था कि देर इज़ नॉट कॉमनैलिटीज बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट एंड इट इट मे बी द रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबके गोल्स एक जैसे नहीं हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल्स हर डिपार्टमेंट का पर्सन को ये लगता है कि उसका गोल अलग है दूसरे डिपार्टमेंट से ठीक है तो उसके मारे क्या हो जाता है कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं डिसएग्रीमेंट्स अराइज होते हैं बिकॉज वो क्या सोचते हैं एक डिपार्टमेंट सोचता है कि उनका गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा डिपार्टमेंट समझता है कि उनका गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है जबकि ऐसा होता नहीं है सो टू अवॉइड दिस कंडीशन या टू अवॉइड दिस कॉज इस कॉज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कॉमन गोल स्टैब्लिश कर सकते हैं वट वी कैन डू वी कैन स्टैब्लिश कॉमन गोल राइट Uh, जो सुपीरियर सब मतलब एक होता है कॉमन uh, गोल उसके अंदर क्या बनते हैं सब गोल्स बनते हैं ठीक है ठीके? तो हम क्या कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपर गोल बना सकते हैं या सुपीरियर गोल सबसे बड़ा गोल बना सकते हैं जिसके अंदर फिर क्या होंगे सब गोल्स बनते हैं राइट सो इट कैन देखिए गोल डिफरेंसेस कैन ऑल्सो भी रिड्यूस थ्रू द एडोप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंसेंटिव सिस्टम मनी ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम often result in win lose mentality in the organization because the reward system focus attention on the individual rather than on the group on organization goal differences kaise bhi arise hote hain dekhiye goal differences kaise uh, develop hote hain kai department mein kya hota hai uh, jo prize diya jata hai ya jo reward diya jata hai wo individual performances pe diya jata hai और नहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर दिया जाता है. Right. दिया है तो इस system को भी हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं एक हम group performance को हम ज़्यादा focus कर सकते हैं group rewarding को हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिससे कि क्या होगा हमारा आ, आ, पर्टिकुलर मतलब हर पर्सन के इंडिविजुअल गोल्स नहीं बनेंगे क्या बनेंगे सिर्फ कॉमन गोल्स राइट सेकेंड इज चेंजिंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर इज चेंजिंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है देखिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जैसे सीईओ है उसके अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट है डिविजन्स हैं सॉरी डिविजन्स है फिर उसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट से अलग अलग तो उनमें क्या होता है कभी एच आर कॉमन होता है कभी अकाउंट्स कॉमन है कभी लीगल डिपार्टमेंट कॉमन है तो उसमें भी हम अगर इस इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को अपना चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे क्या आ, कैसे कर कैसे कैसे किया जाता है देखिए रिडक्शन इन इंडिपेंडेंस सॉरी इट इज़ रिडक्शन इन इंटर डिपेंडेंस राइट इट इज रिडक्शन इन इंटर डिपेंडेंस चेंजिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट से क्या होता है इंटर डिपेंडेंस यानी एक डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट की ओर डिपेंडेंट है मान लीजिए एक बिजनेस हाउस के दो एक बिजनेस हाउस है इसके दो यूनिट्स हैं यूनिट वन एंड यूनिट टू अब इनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है दैट इज सेम ठीक है तो इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये क्या है बहुत ज़्यादा इंटर डिपेंडेंट है ठीक है और इस वजह से इन दो डिपार्टमेंट्स इन दो डिपार्टमेंट्स इन दो यूनिट्स में क्या है कन्फ्लिक्टराइज हो रहा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में चेंज ला सकते हैं दोनों का अकाउंट्स हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं जिससे कि कन्फ्लिक्ट के चांसेस ना हो राइट सेकेंड इज रिडक्शन इन शेयर्ड रिसोर्सेज सेकेंड मेथड हो सकता है कन्फ्लिक्ट कम करने का या कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का इज रिडक्शन इन शेयर्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कॉमन यूज होते हैं दो कंपनीज में दो यूनिट्स में या दो डिपार्टमेंट्स में जो रिसोर्सेज शेयरिंग बेसिस पर यूज़ होते हैं रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं हमारी बिल्डिंग हो सकती है हमारी मशीनरी हो सकती है है ना हमारा और कोई वर्किंग एरिया हो सकता है तो जो शेयर्ड uh, बेसिस पे वो लोग रिसोर्स uh, को शेयर कर रहे हैं शेयर शेयरिंग से आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमें ऐसा लगता है कि कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं तो हम उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे राइट right? तो रिडक्शन इन शेयर्ड र हमें शेयर्ड र को कम से कम रखना है यानी ऐसे रिसोर्सेज जो दो डिपार्टमेंट एक दोनों डिपार्टमेंट को चाहिए लेकिन हमारे पास एक ही है तो ऐसे रिसोर्सेज हमें कम से कम रखने हैं हमें बेसिकली क्या करना है अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ठीक है ऐसा मिनिमम चांसेस रखने हैं कि सारे डिपार्टमेंट को एक ही चीज मिल रही है राइट थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ पर्सनल राइट एक्सचेंज ऑफ पर्सनल मीन्स पर्सनल ऑफ़ द कंफ्लिक्ट ग्रुप एक्सचेंज ऑफ पर्सनल मीन्स पर्सनल ऑफ़ द कन्फ्लिक्ट ग्रुप्स मे बी एक्सचेंज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एज अ वे टू रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ठीक है यानी कि जो कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं दो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या है कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं कन्फ्लिक्ट होने के चांसेज मतलब डिस्प्यूट्स हैं डिसग्रीमेंट या डिससेटिस्फेक्शन काइंड ऑफ कंडीशन है तो हम उनके उनके पर्सनल्स को यानी उन उस ग्रुप के उस डिपार्टमेंट में जो ग्रुप्स हैं उस ग्रुप के एक एम्प्लॉय को दूसरे ग्रुप में हम डाल सकते हैं इससे क्या होगा उस एम्प्लॉय को जब वो दूसरे ग्रुप में जाएगा तो उस ग्रुप का उस ग्रुप का नेचर पता चलेगा उस ग्रुप की फीलिंग्स पता चलेंगी एंड ही विल वेल नो कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज़ हो रहा है या उसका एटीट्यूड या उसका परसेप्शन हमारे बारे में क्यों है और क्या है राइट तो इससे भी कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं क्योंकि जब आप मतलब इम्पैथी काइंड ऑफ कंडीशन है व्हेन यू आर पुटेड अ इनटू द शू ऑफ द अनदर पर्सन यू कैन वेल अंडरस्टेंड द कंडीशन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम राइट right. जब आपको दूसरे की दूसरे की सिचुएशन में जाने का मौका मिलता है तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में वो पर्सन क्या सिचुएशन से सफर कर रहा है ठीक है तो ऐसे ही जब एक पर्सन दूसरे दूसरे ग्रुप में जाएगा एक ग्रुप का पर्सन दूसरे ग्रुप में जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये कंफ्लिक्ट की कंडीशन क्यों आ रही है वो लोग क्या हमें गलत समझ रहे हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं उनके लिए तो ही विल अंडरस्टैंड वेल द थिंग्स राइट नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रेटर्स इंटीग्रेटर्स मतलब जोड़ के रखना राइट स्पेशल इंटीग्रेटर्स ऐसा भी हो सकता है देखिए टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल इंटीग्रेटर्स हु मे मैनेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ग्रुप सो दैट रिजॉल्व मैटर कैन बी सॉल्व थ्रू देम राइट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोविजन भी कर सकता है या एक ऐसा स्टेप भी उठा सकता है जिसमें वो क्या कर रहा है कुछ स्पेशल इंटीग्रेटर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेशल इंटीग्रेटर्स अपॉइंट कर रहा है स्पेशल इंटीग्रेटर्स का काम क्या होगा कि जैसे कोई शेयर्ड रिसोर्सेज हैं यानी मान लीजिए कोई एक मशीन दो डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस मशीन में यूज़ करने में जो कन्फ्लिक्टेराइज हो रहा है वो इंटीग्रेटर के पास आ रहा है यानी उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों को एक ही टाइम पर वो रिसोर्स चाहिए तो वो किसके पास ले जाके सॉल्व कर सकते हैं जो स्पेशल इंटीग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट करें तो इससे कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं राइट स्पेशल इंटीग्रेटर्स मतलब इंटीग्रेटर्स जो होते हैं जोड़ के रखना जोड़ के रखना यानी मिला जुला के रखना तो इंटीग्रेटर्स का काम ये रहेगा कि जिन शेयर रिसोर्स पे कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उन मैटर्स को वो क्या करेगा रिजॉल्व करता है और राइट जहाँ पर दिक्कत आ रही है दोनों डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज इस डिपार्टमेंट को भी इसी टाइम से चाहिए राइट कोई मशीनरी हो सकती है जो दो डिपार्टमेंट्स को एक ही टाइम पर चाहिए तो स्पेशल इंटीग्रेटर्स उनके लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करेगा जिससे कि उन दोनों को ईजीली वो मशीन का बेनिफिट मिल पाए राइट नेक्स्ट इज रेफरेंस टू सुपीरियर्स अथॉरिटी रेफरेंस टू सुपीरियर्स अथॉरिटी इज कन्फ्लिक्ट में भी रिजोल्व थ्रू द हेरिकी ऑफ रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अटेंड टू ऑर्गनाइजेशन मैम्बर दे मे टेक द इश्यू टू अ कॉमन सुपीरियर हु रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट मेकिंग अ डिसीजन यानी कि जो दो दो ग्रुप्स में जो कन्फ्लिक टेराइज हो रहा है वो दो ग्रुप्स क्या कर सकते हैं उनका जो कॉमन सुपीरियर है उसके पास जाके भी उस ग्रो को सॉर्ट आउट कर सकते हैं देखिए नॉर्मल तो इसका प्रोसेस होता है कि दोनों ग्रुप के मेम्बर जाएंगे है ना और दोनों ग्रुप के सुपीरियर्स जाएंगे वो जाके सॉर्ट आउट करेंगे लेकिन ऐसा भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि वो दो ग्रुप क्या कर रहे हैं उनका जो कॉमन सुपीरियर है उसके पास जाके इस मैटर को सॉल्व कर रहे हैं अपने डिस्प्यूट मैटर को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बेसिस पे भी वो क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव सॉरी uh, इस बेसिस पे भी अपने कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं राइट सो दी दिस इज द मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट अंडर प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंटिव मेजर से हम ऐसे अपने कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं ओके क्लास थैंक यू इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्यूरेटिव मेजर्स थैंक यू सो मच